हाय गाइस, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माई पूजा रेड्रोस चैनल। तो आज है शनिवार, तो अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं सुबह सुबह उठ के सारा काम धाम हो चुका है, नहा हुआ लिया है मैंने, तो अभी चली जाऊँगी खाना बनाने के लिए। तो गाइस मैं बता दूँ, आज है बनउत्सव, तो बनउत्सव होता है 3 दिन, और बनउत्सव का आज पहला दिन है। आज भगवान को लेके जाएंगे मंदिर, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। मैं और मेरे मम्मी जाएंगे, तो आज चलेंगे और आपको भी दिखाएंगे बनउत्सव। तो अभी मैं चले जाती हूँ किचन खाना बनाने के लिए। सिंपल सा खाना बनेगा, दाल और आलू का चटनी, आलू का चोखा बोलते हैं, आलू का चटनी बोलते हैं, आलू सिद्ध बोलते हैं। तो आज हम लोग चले जाएंगे, अभी मैं चली जाऊँगी खाना बनाने के लिए। इधर मैंने कढ़ाई बैठा दिया है, दाल को संभार दे लूँगी दो सूखा मिर्च, 5 फोरन। अब मैं दाल ऐड कर दूंगी, दाल अच्छे से उबल चुका है, इसमें ऐड कर दूंगी धनिया पत्ता। दाल बन चुका है, अब मैं आलू सिद्धों को मार लूंगी। तो आलू सिद्धे के लिए यहाँ पे मैंने सूखा मिर्च दे दिया है, डालूंगी सरसों तेल। सूखा मिर्च अच्छे से फ्राई हो चुका है, सूखा मिर्च को तोड़ लूंगी। अब मैं सरसों तेल में डाल दूंगी आलू, आलू को इसमें ऐड कर दूंगी सूखा मिर्च। तो देख सकते हैं आलू का चटनी जो है बन चुका है। तो खाना होना खाने के बाद मैं और मेरे मम्मी जो है निकल चुके हैं बनउत्सव के लिए। तो अभी हम लोग घर से निकलेंगे, यहीं पर सामने हम लोग खड़े होंगे, यहीं पर वहीं से भगवान का मूर्ति जो है वहीं से जाता है मंदिर के लिए। तो यहीं पर हम लोग खड़े होंगे, देख सकते हैं कितना लोग खड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत सारे लोग खड़े हुए थे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहीं से सामने हम लोग थोड़ी देर खड़ा हुए, उसके बाद यहाँ पर भगवान आ रहा था मूर्ति लेके। तो देख सकते बहुत सारे लोग थे, तो मैं और मेरे मम्मी वहीं से निकले और साथ में भगवान के साथ ही गए हुए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ और आप लोग देखते रहिए, और घर पे आके मैं बात करूंगी आपसे। हमने अपने कछु विनम्र भावे अनुरोध मनि रंजन 65वां बनमहोत्सव उपलक्षे बांग्लादेश से गेसिन कालीपद भट्टाचार्य महाशय हमारे लामनी शहर इसे पहुंचेसिन आज के धर्मीय वर्णाट्य शोभा यात्रा के मुखरित करे तोलार जन्य। আপনারা সকলে পুরাতন সংকীর্ণের মাধ্যমে স্মরণ করে নেবেন আজকের এই পবিত্র দিন, মনে রাখবেন শোভাযাত্রা মহন্ত মহারাজকে বরণ করার জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েছেন ঋষি মুনি ঋষিগণ সাধকগণ এই ধরাধাম পৃথিবীর বুকে, ধরাধাম পৃথিবীর বুকে জন্ম হয়েছে সাধকগণ আমাদেরকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য। সত্য গর্ভাচার্য মনে রাখবে আমাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন। ঈশ্বর ভগবানকে স্মরণ করার জন্য ভবে মাতৃমন্ডলে অধ্যায়ী সংকীর্তনের মাধ্যমে গঙ্গাকে আমন্ত্রণ ঠাকুরকে। হ্যালো,
तो अभी हम लोग देख सकते हैं जो नदी के सामने हम लोग आ चुके हैं। तो बनुचक जो होता है वो बन में होता है। तो अभी हम लोग बन में ही मंदिर है भगवान का, तो यहीं पर हम लोग जा रहे हैं। तो ये पहला नदी है, दो नदी आएगा, ये पहला वाला नदी है। तो नदी के सामने देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं। तो दो नदी है, दोनों नदी पार करने के बाद ही हम लोग जाएंगे। तो बहुत सारे लोग थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो भगवान को भी लेके जाया जा रहा था, देख सकते हैं ब्रिज भी बना हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पर छठ पूजा भी होते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं, ये पहले वाला नदी है जो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं अभी। तो उसके बाद दूसरा भी नदी आएगा, उसके बाद मैं मंदिर जैसे पहुंचती हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। এটা গেলে খুঁজতে ঝামেলা, এত ভিড়ের মধ্যে আমার তো টেনশন নেই, আমি তো যাবো না, কই যেতে পারবে না, করে কেন পারব না, মানুষ দুনিয়া যাইব। অনেক মানুষ গেছে গা তুই দিক দিয়ে মর্নিং করছে এখন নাই সব খায় যেটা ছাড়বে ছাড়বে বাইরে বাইরে গেছে কত দেরিতে যাব তখন তা করতে গে আলো যেতে ওই সাপনা Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
मंदिर पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे है मंदिर और यहीं पर वन उत्सव होता है। तो भगवान को मंदिर के अंदर लेके जाया जा रहा है, पूजा होगा अभी भगवान का, तो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ उसके बाद। तो देख सकते हैं मैं आ चुकी हूँ घर, तो जस्ट अभी आई हूँ। इतना अच्छा लगा, इतना सारे लोग थे, हम लोग भी गए भगवान को मंदिर तक छोड़ने के लिए। तो आज का ब्लॉग ही है, फर्स्ट डे का ब्लॉग है और सेकंड डे थर्ड डे, तीनों दिन अलग अलग ब्लॉग आएगा। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय गाइज़।